यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने आज भारत बंद का आह्वान किया है और बंद के दौरान देश भर से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। बिहार की बात करें, कई जगह प्रदर्शन हिंसक हुआ है, कई जगह आगजनी हुई है और इसके अलावा ट्रेनों को भी रोका गया है। पूरे देश में इस भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस के अलावा अन्य 20 राजनीतिक दल सड़कों पर उतरे हैं। ये 5 तस्वीरें ये दिखलाती हैं कि किस तरह का असर हुआ है। दिल्ली में अगर बात करें तो यहाँ पर पैदल मार्च तो राहुल गांधी ने खुद निकाला था, लेकिन उसके अलावा भी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे और अपना विरोध जताया है और 20 राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो इस विरोध के और इस भारत बंद के समर्थन में आगे आई हैं। गुवाहाटी की बात करें तो यहां पर भी बाजार बंद रहे हैं, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिस तरह से बंद का आह्वान किया गया है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। और अब ये जो है हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। एक तरह से लोगों से ये अपील की जा रही है कि वाकई में आप तंग हैं तो हस्ताक्षर कीजिए, बताइए कि यहाँ पर आपको परेशानी हो रही है और अब सरकार को चाहते हैं कि इस परेशानी का हल किया जाए। लेकिन लगातार दाम आज भी बढ़े हैं, आपने देखा होगा जैसे सुबह आप पेट्रोल पंप पर गए थे तो उसी दौरान जो है पेट्रोल डीजल के दाम आपने देखे। पेट्रोल पंप पर जो लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं वहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग सड़कों पर उतरे हैं या फिर कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के या बाकी पार्टियों के या फिर किसी संगठन के, वो एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर ये सरकार को दिखाना चाहते हैं कि लोग भी इस हस्ताक्षर अभियान में साइन कर ये अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो पेट्रोल डीजल के दाम वो कम हो। बैलगाड़ी पर सवार होकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि अब जो वाहन है या बाइक है या फिर कार है उनमें पेट्रोल भरवाने या डीजल भरवाने के पैसे नहीं है और जो बाइक है उसको बैलगाड़ी के ऊपर लाद कर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें सीधे आप देख पा रहे हैं, अलग अलग प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार आपके सामने आती रहेंगी पूरे दिन और खासकर के 3 बजे तक, क्योंकि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कांग्रेस ने भारत बंद का आह्वान किया है। अलग अलग तस्वीरें भी देश के हिस्सों से सामने आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर अलग तरीके का प्रदर्शन देखा गया है और यही नज़ारा आप अगर याद हो आपको 2013 में भी देखा गया था जो पेट्रोल डीजल के दाम 70 के नज़दीक पहुँचे थे और वहाँ सत्ता में जो पार्टियाँ विपक्ष में थी और विपक्ष में थी वो आज सत्ता में है। तो पार्टियों का आदान प्रदान सत्ता को लेकर तो हुआ है लेकिन विरोध प्रदर्शन उसी तरह के देखे जा रहे हैं। आप अंदाज़ा ये भी लगाइए कि सत्ता को हासिल करने के लिए वो जो पार्टियाँ हैं वो क्या कुछ नहीं करती है। जहाँ जब बीजेपी पार्टी विपक्ष में थी तो सड़कों पर बैठकर सिलेंडर को हाथ में लेकर प्रदर्शन किया जाता था और विजय गोयल भी बाइक पर सवार होकर सड़कों पर दिल्ली के उतरते थे, लेकिन आज वो सत्ता में हैं तो ऑफिस में बैठकर एसी की हवा जरूर खा रहे होंगे, लेकिन आम जनता जरूर परेशान है इसमें कोई दो राय नहीं है। और पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं तो पेट्रोल पंप पर जरूर ये जो प्रदर्शन है वो ज़्यादातर देखे जा रहे हैं, क्योंकि जो भी पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए आम जनता या लोग आ रहे हैं वहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर या फिर बैलगाड़ी से प्रदर्शन कर भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि आप बाजार को बंद रखें और आप अपनी दुकानों को ही बंद रखें ताकि एक दिन के लिए या महज कुछ घंटों के लिए सरकार को ये चेताया तो जा सके कि उन्हें परेशानियां, उन्हें कठिनाइयां बहुत हो रही हैं और सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है तो आपकी रसोई गैस भी महंगी जो हो रही है या फिर आपकी रसोई का बजट है वो भी बढ़ता जा रहा है। ये सोचने की ज़रूरत भी है आज कि आखिरकार 80 रुपये के पार क्यों पेट्रोल गया है, इसके पीछे की मंशा और वजह क्या है सरकार की, आखिरकार जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है कहाँ की नाकामी है सरकार की। ये सवाल विपक्ष के हैं, ये सवाल कांग्रेस के हैं जिनके जवाब ज़रूर देने होंगे बीजेपी पार्टी को। हालांकि अलग अलग तर्क दिए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वहाँ पर इसका कम ही जिक्र किया गया, 2022 का ज़्यादा वहाँ पर जिक्र किया गया है, लेकिन फिलहाल जो वर्तमान की स्थिति है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है और पेट्रोल डीजल के दाम अगर यूं ही बढ़ते रहेंगे तो आने वाले समय में ज़रूर लोगों को परेशानी होगी। सुनिए वहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं लोग। पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे नहीं है, 80 रुपए लीटर तेल हो गया, 80 रुपए लीटर तेल लेने के लिए हमारी ताकत नहीं है, इसलिए बैलगाड़ी पर चल रहे हैं। आगे आने वाले समय के अंदर बैलगाड़ी पर ही चलना पड़ेगा, बैलगाड़ी की सवारी हमें पसंद करनी पड़ेगी क्योंकि बैलगाड़ी वाला 5 रुपए पहुँचा देगा और ये जो गाड़ी है हमारा मोटरसाइकिल है इसके अंदर 80 रुपए लीटर तेल भरवाएंगे तो कहाँ से लाएंगे पैसा। नौकरी पैसा करने वाले लोग पैसा कहाँ से लाएंगे और तेल कैसे भरवाएंगे। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं आज दिल्ली के अंदर, क्या पूरे भारत के अंदर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, हालत खराब हो चुकी लोगों की, पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, काम धंधे है नहीं, नौकरियां लोगों को मिल नहीं रही है, रफेल डील का घोटाला कर दिया उन्होंने, हिंदुस्तान का नाश करना काम कर दिया उन्होंने, सिर्फ
अंबानी अडानी का काम चल रहा है, बाकी जनता भूखी मर रही है, भूखा काम हो रहा है, कोई काम नहीं है, हर चीज महंगी हो गई है। पेट्रोल बढ़ने से सब्जियां महंगी, तेल महंगा, हर चीज महंगा हो गया है। मोदी जी के पुराने भाषण सुन लो, मोदी कहते थे तेल कम हो गया तो ये मेरी किस्मत है। आज वो मोदी जी किस्मत पूछ रहे हैं, मोदी जी किस्मत कहाँ गई आपकी, जिसमें आपने कहा था कि तेल के दाम सस्ते हो गए हैं। यही हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी तेल के दाम कम करिए, जनता जो त्राही त्राही कर रही है उसको उसको राहत देने का काम करिए। अपने अध्यक्ष राहुल गांधी की बातें जरूर कार्यकर्ता सुनते हैं, इसलिए रटा रटा जो बयान देते हैं राहुल गांधी वही उनके जुबान से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। रफेल डील का मुद्दा भी हर किसी के जुबान पर है आज। बैलगाड़ी पे हमें इसलिए उतरना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार दो हफ्ते से लगातार वृद्धि हो रही है और देश में बैठी हुई मोदी सरकार बिल्कुल आंख और नाक कान बंद करके बैठी हुई है, उन्हें ना जनता का दुख सुनाई दे रहा है ना उनका दर्द दिखाई दे रहा है। जिस तरह से बाकी चीजों को जीएसटी के दायरे में लाया गया, क्यों नहीं वो पेट्रोल और डीजल के दामों को भी जीएसटी के दायरे में लाते हैं। अगर पेट्रोल और डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो खुद ब खुद 15 से लेके 18 रुपए तक के मूल्य में कमी आ जाएगी, जिससे कि जनता को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी चीज, जब पूरे देश में एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ाई जा रही है तो क्या कारण है कि राजस्थान में 4% की उसके लिए मूल्य कम किया गया है, और अगर राजस्थान में कम किया जा सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं किया जा सकता। तो आज हम सभी इन्हीं मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और गूंगी बहरी सरकार को दिखाने के लिए कि अब नौबत ये आ गई है कि बैलगाड़ी पे ही चलना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं।